दोस्तों यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी आ रही है। आप सभी को बता दें कि यूपी बोर्ड की कॉपियों के जांचने का कार्य शुरू हो चुका है। आप सभी का मूल्यांकन कार्य 2 दिनों का समाप्त हो चुका है। 2 दिनों के अंदर कितनी कॉपियों का जांच किया गया और कितने लाख छात्र फेल हो चुके हैं, इसके बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 2023 की आप बोर्ड परीक्षा दिए हैं तो आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बता दें कि यहां पे 4 लाख बच्चे फेल हो चुके हैं। आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2 दिनों में यूपी बोर्ड के 30 लाख कॉपियों का जांचने का कार्य समाप्त हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दें कितने लाख छात्र फेल हुए हैं। इसके पहले आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। यूपी बोर्ड से जुड़ी हर जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे शनिवार यानी कि जांचने का कार्य यानी कि मूल्यांकन का कार्य दोस्तों शनिवार से शुरू हो चुका है। 2 दिनों में 30 लाख कॉपियों का मूल्यांकन कार्य कर लिया गया है। दोस्तों मूल्यांकन कार्य इतना धीमा क्यों किया जा रहा था, सभी को बता दें कि यूपी बोर्ड के जो शिक्षक हैं यानी कि यहाँ पे जो भी यूपी बोर्ड की कॉपियों का जांच कर रहे हैं शिक्षक, उन्होंने यहाँ पे हंगामा या बहिष्कार कर दिया है कि हमारी ये पुरानी पेंशन योजना है उसे लागू किया गया, तभी हम जा करके कॉपी जांचने का कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पे बाद में उन्हें आश्वासन दिया गया कि आपका जो मांग पूरी की जाएगी, इसकी वजह से यहाँ पे मूल्यांकन कार्य थोड़ा यहाँ पे स्लो हुआ था। यानी कि पहले दिन दोस्तों आप सभी को बता दें सिर्फ 10 लाख कॉपियों का जांचने का कार्य किया गया था, यानी कि पहले दिन 10 लाख कॉपियां जांची गई। उसके बाद दोस्तों अभी कल यानी कि 20 तारीख को दोस्तों 20 लाख कॉपियों का जांचने का कार्य थोड़ा यानी कि पहले से बेहतर हुआ है। आने वाले समय में बताया जा रहा है कि 2-4 दिन के अंदर यह काम बहुत तेजी से किया जाएगा। कम से कम 1 दिन में 30 लाख कॉपियों को जांचने का कार्य किया जाएगा, जिससे आप सभी को बता दें कि कम से कम 31 मार्च तक समाप्त करने का पूरी यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है। आप सभी को बता दें कि आप सभी का मूल्यांकन कार्य 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप सभी का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, यानी कि आप सभी का हर सब्जेक्ट का नंबर जोड़ा जाएगा, उसके बाद आप सभी का जो वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा रिजल्ट, ठीक है। वेबसाइट पे अपलोड होने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा। यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है। 2 दिन में यहाँ पे देख पाएंगे इतनी लाख कॉपियों को जांचा गया है। शनिवार को यहाँ पे देख पाएंगे इतने लाख मूल्यांकन हुआ है। और यहाँ पे देख पाएंगे इसी तरीके से हर जिले की अलग अलग अपडेट है। दोस्तों यहाँ पे यह प्रयागराज जिले की अपडेट है। फिलहाल यहाँ पे जो मेन अपडेट है यानी कि पूरे जिले के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, तो यहाँ पे देख पा रहे हो 30 लाख कॉपियों का मूल्यांकन कार्य हो चुका है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि यूपी बोर्ड में 4 लाख बच्चे फेल हो चुके हैं। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो भी छात्रा पहले दिन जो इंटर और हाई स्कूल की हिंदी में परीक्षा ही नहीं दी है, वे तो फेल कन्फर्म है। लेकिन दोस्तों अभी फाइनल रिजल्ट बाकी है। जो छात्र अभी परीक्षा देकर आए हैं उनमें कितने छात्र फेल हो रहे हैं, कितने छात्र पास हो रहे हैं, इसकी जानकारी अभी बोर्ड की तरफ से नहीं दी गई है। इसको लास्ट में ही बताया जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको जब आप सभी का रिजल्ट आएगा तभी यह फाइनल किया जाएगा कितने लाख छात्र हिंदी में पास हुए, कितने लाख छात्र केमिस्ट्री में। तो यह जानकारी आप सभी को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो भी छात्र परीक्षा छोड़ दिए हैं उन्हें फेल माना जाएगा। तो आप सभी को बता दें कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जो भी छात्र सोच रहे थे कि हम परीक्षा दे मतलब परीक्षा नहीं दिए हैं और सब परीक्षा दिए हैं तो हो सकता है कि पास हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी फेल ही माने जाओगे। तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप सभी को हर जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल सके।